इस बात को ध्यान में रखना कि जो साइड इक्वल होती है उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इधर मैं भी दोबारा बात बताता हूं, एक सेकेंड। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, अगर आपको सवाल में बोला जाए कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं और बी जो है वो टू है, तो बताओ ए क्या होगा। तो ये सेंस बनती है इस बात की कि अगर अल्फा और बीटा बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होगी। एक हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, लेट कर लो ये अल्फा 45 डिग्री है, लेट कर लो बीटा जो है 45 से नहीं कहीं से लग रहा 50-50 कर लेते हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट साइड ये वाली है, इसके अपोजिट साइड ये वाली है, ये दोनों भी लेंथ में इक्वल। तो ये थ्योरम होता है बेसिक ज्योमेट्री का कि इक्वल एंगल है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो अगर सवाल में बोले अल्फा बराबर है बीटा के और बी बराबर है टू के, तो फिर ए भी क्या होगा, टू के बराबर। ठीक है, क्योंकि दो एंगल सेम है तो फिर उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। अल्फा के सामने वाली साइड ए होती है, बीटा के सामने वाली साइड बी होती है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही रीजन है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं, बेसिकली तीनों साइड बराबर होती है। आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो ना कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है तो उसके फिर तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होते हैं, ये चीज है। और एक और चीज जो आपको 12.4 में मिलेगी, 12.4 के आखिरी के दो तीन नहीं 12.3 के आखिरी के दो क्वेश्चन है जिसमें बोला गया स्मॉल एंगल निकालो लार्ज एंगल निकालो। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई साइड छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक हम इस तरह ट्राइंगल बनाते हैं, ये समझने में काफी इजी होता है। ये एंगल है, कंसीडर कर लो अल्फा है और उसके सामने वाली साइड ये है। अगर एंगल अभी थोड़ा छोटा है तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, अब देखो एंगल जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया और इसके सामने वाली साइड जो है वो भी बड़ी हो गई। तो जैसे एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर कोई बड़ी साइड है ट्राइंगल में, तीनों साइड में से जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और इसी तरह ट्राइंगल में जो सबसे छोटी वाली साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी सब एंगल में सबसे छोटा होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि स्मॉलेस्ट एंगल निकालो, तीन साइड गिवन हो, जैसे ही केस थ्री का प्रॉब्लम में आपको बता देता हूं कि वो ए दे दे, बी दे दे और आपको सी दे दे, और बोलेंगे भाई स्मॉलेस्ट एंगल निकालो, तो आप ये देखोगे इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी, लेट कर लो बी जो है, मैं नाम दे देता हूँ, ये 5 है, ये 4 है और ये 8 है। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, बी। तो बी के सामने वाला एंगल बीटा भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल। इसी तरह अगर वो आपको बोले लार्जेस्ट एंगल निकालो, तो सी के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, आप यहाँ पे निकाल लोगे कॉस थीटा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा इस चैप्टर, ठीक है। अब यार सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको बता देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं है खास जो जिनको मैं आप लोगों को बताऊं। हाफ एंगल फॉर्मूले हैं सारे, मैं आप लोगों को पैटर्न बताता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग खुद करते जाना। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूले आपने चैप्टर 10 में भी पढ़े थे अगर आपको याद हो, वो इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे। साइन कॉस इन सब के हाफ एंगल फॉर्म में ना इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आते थे। यहां पे जो हाफ एंगल फॉर्म है ना, वो इन टर्म ऑफ साइड्स हैं ट्राइंगल के, ए बी सी ये सब आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अच्छा मैं उसको बिठा देता हूं, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, तीन हाफ एंगल फॉर्मूले उनको डिस्कस करते हैं। साइन अल्फा अपॉन टू का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल में तीन एंगल है, अल्फा अपॉन टू, बीटा अपॉन टू, गामा अपॉन टू, तो तीन फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो फॉर्मूला होता है एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अच्छा बी और सी की तो आपको समझ आ रही है, एस क्या होता है यहाँ पे, तो एस को आप कहते हो सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू।
याद रखना पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ये होता है, मैंने पहले भी बताया था सर्किल के अंदर, आपने मुझे नहीं बताया अभी, कि किसी भी शेप की जो साइड की लेंथ है ना उनको ऐड कर दो। अगर ट्रायंगल की बात करो तीनों साइड की लेंथ को ऐड कर दो, तो ए बी सी को आप ऐड कर दो तो ये पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप टू से डिवाइड कर दो तभी इसको सेमी पेरीमीटर कह देते। बारह तो ये एस होता है, ठीक है, और बाकी बी सी तो आपको पता है। तो साइन अल्फा अपॉन टू ए फॉर्मूला होता है। याद रखने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे अल्फा है तो फिर यहाँ पे ए मौजूद नहीं होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। एक और जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, साइन बीटा अपॉन टू। तो अब बीटा है ना तो बी नहीं होगा, ए और सी होगा, तो एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। और फिर आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पे कि साइन गैमा अपॉन टू का आपने फॉर्मूला। अब आज चौथे पे, चौथा है कॉस की फॉर्म में, और कॉस अल्फा अपॉन टू, कॉस में किस तरह आप याद रखोगे, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। याद रखने का तरीका ये कि अगर अल्फा मौजूद है तो यहाँ पे एस के साथ एस माइनस ए मौजूद होगा, और ए मौजूद है तो बाकी दो साइड कौन सी है, बी सी, वो आप नीचे लिख दोगे। अच्छा कॉस बीटा अपॉन टू क्या होगा, फिर बीटा है ना तो ऊपर क्या होगा बी होगा, एस एस माइनस बी, और नीचे क्या होगा बाकी दो साइड ए सी। और जो तीसरा वाला फॉर्मूला है वो आपका होमवर्क है। आप टेंजेंट पे आ जाओ, टेंजेंट वाले फॉर्मूले तो काफी इजी हैं, क्योंकि आपको डिवाइड करके देख लो, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अल्फा अपॉन टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा अपॉन टू, बी सी से ये वाला बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर एस एस माइनस सी, उस तरीके से आपके पास आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो टेंजेंट बीटा अपॉन टू का, तो आप वही साइन बीटा अपॉन टू कॉस बीटा अपॉन टू, तो ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी, नीचे आ जाएगा एस एस माइनस बी, और जो नाइन्थ है टेंजेंट गामा अपॉन टू वो आप लोगों का होगा। क्या उनके प्रैक्टिस करना, ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। जैसी जाहिर सी बात है आपको टेस्ट तक याद रखना है, कोई ये नहीं कह रहा कि पूरी जिंदगी आप याद रखो इनको, टेस्ट तक आप याद रख लेना, तो आप भूल जाओ मुझे नहीं याद तो क्या हो गया, नहीं आती मैथ मुझे। तो अभी के लिए याद रख लो, याद करने का तरीका मेमोराइज करना नहीं होता, ये सबसे थकावा तरीका होता है। असल तरीका ये होता है कि आप उस चीज को देखो उसके बाद लिखो, मतलब मेमोराइज भी करो लिखते भी जाओ, बेस्ट तरीके से आपको चीज सीखो। सवाल नहीं होगा आप लोगों का, इसका ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी और भी फॉर्म है काफी। उसके बाद आपके पास अगेन सात फॉर्मूले हैं। सात फॉर्मूले कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। आपको अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल के आप लोग बचपन से फॉर्मूले पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने अपनी जिंदगी में बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर आप नोट करो तो सबसे पहला आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ना अपनी छोटी क्लासेस में, वो था 1/2 bh, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था। उसके बाद अभी आपने रिसेंटली सेकेंड ईयर में दो फॉर्मूले पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल के, एक पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो, और चैप्टर नंबर 9 वेक्टर में आपने पढ़ा था कि जब ट्रायंगल वो ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो और डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले अभी तक आप अपनी जिंदगी में पढ़ चुके हो एरिया ऑफ ट्रायंगल के, दो ये और एक आपने अपनी बचपन में पढ़े 3। अब ये सारे फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये आप उस वक्त यूज करोगे, देखो हर फॉर्मूला डेटा पे डिपेंड करता है। अगर 3 वर्टिसेस गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर वेक्टर की फॉर्म में गिवन है तो चैप्टर नंबर 9 में जो पढ़ा था, बेस और हाइट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, और अब बाकी जो मैं बताऊंगा ये डेटा के हिसाब से होंगे। जिसमें से सबसे पहला केस ये है कि अगर आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो और वो एंगल इंक्लूडेड आपको देंगे, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, अभी डेटा पे डिपेंड कर रहा है ना, दो साइड एक एंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा 1/2। अब दो साइड कौन सी होंगी, लेट कर लो अगर दो साइड ए बी है तो उनके साथ एंगल होगा गैमा, ए बी का इंक्लूडेड एंगल गैमा होता है। अगर लेट कर लो वो दो साइड है बी सी तो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा अल्फा,
और अगर वो दो साइड है एसी तो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड करता है आपके पास डेटा क्या गिवन है। अगर आपको साइड ए दी हुई है, साइड सी दी हुई है और साइड और एंगल बीटा दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डेटा के मुताबिक आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते। केस टू में है कि जब आपके पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो आपको। अब दो एंगल जब गिवन होना, तीसरा एंगल तो वैसे ही फ्री में आ जाता है, दो एंगल से तीसरा एंगल आप आसानी से निकाल लेते हो। इन फॉर्मुलों में असल आप पहचानोगे किस तरह कि आपके पास साइड कौन सी गिवन है। आपको सवाल में अल्फा बीटा गिवन हो, आपको सवाल में बीटा गैमा गिवन हो, आपको सवाल में अल्फा गैमा गिवन हो, मतलब कोई भी दो एंगल आपको गिवन हो, आप फॉर्मूला डिसाइड कर ही नहीं सकते। फॉर्मूला डिसाइड कैसे करोगे, साइड देख के। ठीक है, तो अब लेट कर लो आपको यहां पे गिवन हो साइड ए, तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। और अगर साइड ए गिवन है तो नीचे होगा अल्फा और ऊपर होगा बीटा और गैमा। तो अब इसमें आप एंगल देख के डिसाइड नहीं करोगे, आप साइड देख के डिसाइड करोगे। एंगल इस फॉर्मूले में कोई भी दो आपको मिल जाए, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कोई भी दो एंगल गिवन होंगे आप तीसरा निकाल लोगे। लेकिन अगर बी गिवन हुआ तो बी यहां कैसे पुट करोगे, तो जो साइड गिवन होगी उसके मुताबिक आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो लेट कर लो अगर आपको यहाँ पे b गिवन हो तो आप b वाला यूज कर लोगे 1 अपॉन 2 b स्क्वायर। और अगर b है तो नीचे आएगा साइन बीटा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा साइन गैमा। इसी तरह तीसरा आप खुद बना सकते हो 1 अपॉन 2 c स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन गैमा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो तीन फॉर्मूले आपके ये हो गए। और अब आखिरी है केस थ्री। केस थ्री होता है वही जो आपने पढ़ा था कि जब आपको तीन साइड्स बताओ और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। एस अभी बताया था सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है। जब आप ये निकाल लोगे अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, फॉर्मूला है ये वाला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इस वाले फॉर्मूले का मशहूर नाम है हीरोज भी बोलते हैं, या वर्ड हीरोज भी आता है इसका, लेकिन पढ़ते हुए हीरोज अच्छा लगता है, इसको हम कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो इस तरह तो आपको याद रहेगा। तो हीरोज फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको तीन साइड पता है ए बी सी पता है, वहां से आप एस निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, आपके पास आंसर आएगा। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, अब इनकी एग्जाम्पल बहुत ही इजी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कोई ढूंढ के करवा देता हूँ, वरना ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। इसमें जस्ट आपको पुट करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। जैसे एक एग्जाम्पल है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए गिवन है 18 के बराबर, बी गिवन है 24 के बराबर और सी गिवन है 30 के बराबर। ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, पता नहीं क्यों। 18 का 324 24 का होता है, मुझे लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो रहने दो, वो तो मैटर नहीं करता। तीन साइड गिवन और आपको निकालना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे, एस निकालोगे। एस आप निकालो 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आई गेस 72 होगा। 32 42 72, हाँ 72 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। तो एस यहां पे 36 हो गया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले आप एस लिखते हो, फिर होता है एस माइनस ए, 36 माइनस 18, फिर होगा 36 माइनस 24, फिर होगा 36 माइनस 30। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में ना डालना, इतनी सी मैथ कर लेना, वरना कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा पुट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते इतनी सी मैथ की, तो पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालना, रूट ऑब्वियसली लगाना, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूनिट जो है ना वो स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर यूनिट इसलिए बोलते हैं कि आपको यूनिट पता नहीं है, अगर साइड ये सब सेंटीमीटर के अंदर होना तो फिर इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में हो तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अगर नहीं पता होता तो आप स्क्वायर यूनिट लिख देते हो। इसी तरह बाकी भी आप देख रहे हैं यार, इस वाले सवाल में आपको ए और बी गिवन होगा, साथ गैमा गिवन होगा, आप बस वैल्यूज पुट करनी है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और इसमें आपको कोई भी दो एंगल गिवन होंगे उससे आप तीसरा निकालना, और जो भी साइड गिवन होगी
वो वाला फॉर्मूला यूज करना, पुट करना आपके पास आ जाएगा। आप लोगों के पास सर में कैलकुलेटर है तो इतना मसला नहीं होगा, कर लोगे सारे। क्लियर है बात यहां तक? कोई भी सवाल है तो पूछ लो यहां तक। 12.4 तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब अगले 10-15 मिनट में 12.5 आपकी क्लियर हो जाएगी तो ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो 12.4 निकालना। 12.4 के शुरू के 11 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पे, शुरू के 3 क्वेश्चन आई गेस केस 1 या केस 2 के हैं, शुरू के 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद के 4 क्वेश्चन, मतलब शुरू के 4 या तो केस 1 के होंगे, फिर उसके बाद 4 जो है वो केस 2 के होंगे, 8 हो गए, और फिर जो बाकी 3 है वो केस 3 के हैं। तो आपको एग्जाम्पल चाहिए तो उस 12.4 को सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, आपका मामला क्लियर हो जाए। जो बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज है ना, पीडीएफ आप लोगों को तो मैंने नहीं दिया हुआ, लेकिन वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, इनफैक्ट अभी 5 बजे अपलोड होंगे वो, तो उनको आप लाजमी देख लेना क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के हैं। वो वाला लेवल आपके जब अप हो जाए ना, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के ई कैट का पीडीएफ दिया है ना, उसमें भी कितने एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, फिर वो एनडी के पास पेपर के और कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, तो आप लोग पहले वो तो देख लो, अपना बोर्ड एग्जाम का लेवल तक तो आ जाओ यार, वो एमसीक्यूज आपको आते हैं। उसके बाद जब मैं 2-3-4 दिन बाद अपलोड करूंगा ना ई कैट के फर्स्ट ईयर के, तो फिर वो आप देख लेना, उससे पहले आप एनडी के पास पेपर भी कर लो। यार कितनी दफा मैंने बात आप लोगों को बताइए, बार बार यही सवाल पूछा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज है वो करो, सेकंड ईयर की पहले अपलोड थी, फर्स्ट ईयर की आज अपलोड हो जाएगी, जब वो कर लो एनएटी के पास पेपर्स पे आ जाओ, क्योंकि मैंने उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया है ना कि एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करना है, वो आपको बाकी एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगी। एनएटी के सॉल्व करो, जब वो हो जाए तो जो मैंने पीडीएफ दिया है ई कैट के एमसीक्यूज का उनको सॉल्व करो, जो मुश्किल होंगे वो मैं आप लोगों को लेक्चर में करवा दूं, ये पूरे स्टेप मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहला ट्रायंगल है, सॉरी सबसे पहले सर्किल है, सर्कम सर्किल, ये सब ट्रायंगल से रिलेटेड है, सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, ई सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, अभी ई सर्किल ही आएगा जिसको एक्स सर्किल भी कहते हैं। सर्कम सर्किल की डेफिनेशन बहुत इजी है, सेकंड में आपने पढ़ी भी है, सर्कम सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा होता है, ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स से टच कर रहा हो, ये बोल दो कि वो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है ट्रायंगल के, ए बी सी तीनों वर्टिसेस से पास होता है, तो उस वाले सर्कल को आप क्या बोलते हो, सर्कम सर्कल। यहाँ पे तो सर्कम सर्कल की डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पता होनी चाहिए, सर्कम सर्कल का जो सेंटर है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये बात मैंने सेकेंड ईयर में भी बताई थी, दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपने सर्कम सर्कल का जो सेंटर है ना, जिसको आप कहते हो सर्कम सेंटर, ये आता कैसे है, ये आता इस तरीके से कि आप एक अदर ट्रायंगल लो, जैसे आप किसी चीज को बनाते हो ना, उसकी रेसिपी होती है, तो ये जो सर्कम सर्किल है इसको बनाने की रेसिपी क्या है, कि आपने एक अदर ट्रायंगल लिया, उसके बाद आप हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है, ये बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है साइड को और परपेंडिकुलर भी है, इसी तरह इस साइड की भी आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, इसी तरह इस साइड का भी आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। अच्छा ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, आप स्केल से मेजर करना इस पूरी साइड को, मिड पॉइंट लोकेट करना और उस पर 90 डिग्री की लाइन बना देना, जहां भी तीनों लाइन मिल रही होंगी उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सर्कम सेंटर। अब मैं, अभी मुश्किल नहीं है, आप एक कंपास लेना
यहां पे रखना, या तो इस वर्टेक्स तक खोल लेना या इस वर्टेक्स तक या इस वर्टेक्स तक, तीनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो आप इस पे खोल के पूरा एक सर्कल बनाना, आपके पास इस तरह एक सर्कल आ। तो यहाँ पे आपने एक बात सीख ली कि सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सर्कम सर्कल का रेडियस है उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो सर्कम सेंटर, तीन बातें, सर्कम सर्कल की डेफिनेशन, दूसरी बात सर्कम सेंटर की डेफिनेशन, तीसरी बात सर्कम रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर से आप शो करते हो, और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन ओ डेल्टा। इसमें आपको हर चीज पता है, ए बी सी तीनों साइड की लेंथ है, डेल्टा लिखा है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो आप आसानी से सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। ये बात होगी सर्कम सर्कल। अच्छा अच्छा, अब दूसरा सर्कल, वो भी आपने सेकेंडरी में पढ़ लिया है, जिसको आप कहते हो इन सर्कल। इन सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो ट्राइंगल के अंदर होता है, और उसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। जैसे सर्किल को देखो, ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इस वाले सर्किल को आप क्या बोलोगे, इन सर्किल। तो डेफिनेशन होगी, अ सर्किल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सर्किल। अब दूसरी बात, इसका सेंटर क्या है, इसके सेंटर को आप बोलते हो इन सेंटर। डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपने इन सर्कल बनाना है तो रेसिपी क्या बनानी, रेसिपी ये है कि एक अदर ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको एंगल्स पता होने चाहिए सारे, आप जो प्रोटेक्टर है उससे एंगल मेजर कर लेना। लेट कर लो ये एंगल 50 डिग्री का आ रहा है, तो 50 डिग्री का हाफ क्या होता है, 25। आप 25 लेट कर लो यहां पे आ रहा है, जैसे आपने 25 लोकेट किया आप यहां पे एक लाइन बना दोगे, फिर इस वाले एंगल को मेजर करना, लेट कर लो 60 आ रहा है, तो आप 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन बना देना, और इसको मेजर करो, लेट कर लो 70 आ रहा है ये, तो बिल्कुल मिड 35 पे आप एक लाइन बना दे। जहां भी तीनों लाइन मिल रही होंगी उस लाइन को आप क्या बोलोगे, इन सेंटर बोलोगे। तो डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल मतलब ये सारे एंगल, बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये तीनों लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, तो इनको आप बोलते हो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो तीन लाइंस जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्टर। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी इंटरसेक्टर। और रेडियस किस तरह होगा, आप बोलोगे सर रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर यहां से लेके यहां तक मेजर करोगे तो सर्किल तो देखो पता नहीं आउट बाहर बनेगा, वो तो अजीब सा बन जाएगा। तो यहां पे रेडियस ये होता है कि आपके पास जैसे ये आपने लोकेट कर लिया ना, ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगी ना, ये दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे, किसी ट्राइंगल में शायद बना लें वैसे परपेंडिकुलर नहीं बनाती। तो आप क्या करोगे, आप जो सेंटर आ गया ना उस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दोगे साइड के ऊपर, ठीक है। यहां पे ड्रॉप कर दो या यहां पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो या यहां पे कोई ड्रॉप कर दो, जैसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे वो आपका रेडियस है। आप यहां पे कंपास रखोगे, यहां तक खोलोगे, इस तरीके से ना आपके पास ये एक सर्किल आ जाएगा। तो रेडियस यहां पे क्या होगा, सेंटर से लेके साइड तक एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ सेम ही होगी, आप किसी पे भी कंपास रख के खोलना आप एक सर्किल आ। तो यहां पे लेट कर लो ये वाला रेडियस है, इसको आप क्या बोलोगे, इन रेडियस। और इन रेडियस को आप शो करते हो स्मॉल आर से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, ये फॉर्मूला होता है इन रेडियस। यहां तक बात क्लियर है सबको, हमारा आखिरी सर्किल रह गया और आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। तो आखिरी सर्किल है, उसका नाम जो है वो है एक्स सर्किल। अभी इसका हम ई सर्किल भी कहते हैं, स्क्राइब सर्किल भी कहते हैं, जैसे इनको सर्कमस्क्राइब, इनस्क्राइब, तो इसको ई स्क्राइब भी सर्किल कहा जाता है, इसको एक्स सर्किल भी कहा जाता है। ये होता क्या है, इसको ज्यादा समझना थोड़ा मुश्किल काम है, देख लेते हैं। तीन बनते हैं ये एक सर्किल नहीं बनता है, तीन बनते हैं, एक ट्राइंगल के ऊपर तीन बनेंगे ये। तो मैं बता देता हूं क्या मतलब है इनका। मैं ट्राइंगल एक बहुत ही छोटा सा लेता हूं, क्योंकि जितना बड़ा ट्राइंगल होगा ना ये उतना मसला करते हैं, मैं बना ही नहीं पाऊंगा। एक ट्राइंगल मैंने ले दिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
डेफिनेशन ये होती है कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप कहां पर सर्कल बनाना चाहते हैं। पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी कर ले। आप यहां पे सर्कल बनाना चाह रहे हो, आप यहां पे बनाना चाह रहे हो, या आप यहां पे बनाना चाह रहे हो, तीन पोजीशन है। सबसे पहले हम यहां पे बना, आप क्या करो, अगर आप यहां पे सर्कल बनाना चाह रहे हो तो आप इन दो साइड को ना एक्सटेंड कर दो, इसी तरह इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दो। उसके बाद आप क्या करो, इस वाले एंगल का एक बाइसेक्टर निकालो, इस वाले एंगल को बिल्कुल मैंने बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह ये जो दो एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को बाइसेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो इंटरनल एंगल की बाइसेक्टर और बाकी दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ई सेंटर। मतलब एक्स सर्किल का जो सेंटर है ना उसको आप क्या बोलोगे, ई सेंटर। जैसे ही आपके पास सेंटर आ जाए, अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, या तो आप यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, या यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, या यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो। कंपास खोलो अपनी और इस तरह एक पूरा आपके पास एक सर्किल बन जाए। सबसे पहले आपने क्या किया, एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर निकाले, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को आप बोलते हो ई सेंटर। रेडियस कैसे निकालोगे, सेंटर से लेकर 90 डिग्री बनाओ, यहां पे या कहीं भी बना लो, कंपास से पूरा सर्कल बना दो, तो ये आपके पास एक एक्स सर्कल बन। अगर ये सी के सामने आ रहा है, क्योंकि रेडियस चेंज होगा, इधर सर्किल जो बनेगा, इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा, तीनों का रेडियस डिफरेंट होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा साइड की लेंथ क्या है। अगर ये थोड़ी ज्यादा खुली हुई है तो आप इनको एक्सटेंड करोगे, इस तरह बनेंगे तो सर्किल भी आपका बड़ा बनेगा। तो ये तीनों सर्किल का रेडियस डिफरेंट होता है। तो जो सी के सामने आपके पास सर्किल होता है ना, इसके रेडियस को हम आर थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। जो वर्टेक्स ए के सामने बनता है ना, इस टाइप का बनेगा, कोई मैं रफली सा बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, इस टाइप का सर्किल बनेगा। तो जो ए के सामने बनेगा ना सर्किल, उसका जो रेडियस है उसको आप आर वन से शो करते हो, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। और जो वर्टेक्स बी के सामने बनेगा उसको आप शो करोगे आर टू से, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। तो जो ए के सामने बनेगा उसको आप आर वन कहोगे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, जो बी के सामने बनेगा उसको आर टू बोलोगे डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और जो सी के सामने बनेगा उसको आप बोलोगे आर थ्री डेल्टा अपॉन एस माइनस। तो असल चीज आपने आर वन आर टू आर थ्री इनके फॉर्मूले याद रखने, और दूसरी चीज आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि ई सर्किल की डेफिनेशन ये होती है कि क्या करता है ये, ए तीन साइड को टच करता है, टच कर रहा होगा, एक तो ये ट्राइंगल की साइड को टच करता है, ये देखो एक साइड को तो टच कर रहा है, और बाकी दो जो है ना वो ट्राइंगल की एक्सटेंशन है, मतलब बाकी दो साइड को एक्सटेंड किया हुआ है ना, तो दो एक्सटेंशन को टच करता है और एक ट्राइंगल की साइड को टच करता है। तो इस वाले सर्किल इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं, अ सर्किल व्हिच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड्स। प्रोड्यूस साइड मतलब ये जो आपने एक्सटेंशन पूरी की है ना इनको जो टच करे, उस सर्किल को आप क्या कहते हो, एक्स सर्किल। और सेंटर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, और जो दो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है वो जहां पे मिल रही है उसको आप क्या बोलते हो, ई सेंटर। और रेडियस आपने देख लिया, तीनों के फॉर्मूले याद रखने आपने, तो टोटल आपने यहाँ पे पांच फॉर्मूले याद रखने, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर वन, आर टू, आर थ्री।